सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरुजी चैनल को और उसके बाद इस घंटी के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरुजी की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आए हैं, तो इस बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको कि क्या है, कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं वैकेंसी की वीडियो अपलोड करूँ, मैं डेली दो वीडियो वैकेंसी के बारे में अपलोड करता हूँ, तो आप जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपको कोई भी वैकेंसी का फॉर्म आ रहा है तो चलिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं और सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताते हैं। दोस्तों, वैकेंसी जो आई है वो जारी की गई है मध्य एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण को लिमिटेड की तरफ से। तो ये जो वैकेंसी है इसके बारे में हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो अगर डेट्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है वो 27 नवंबर से भरा जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि आपको ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो मैं इसमें वेबसाइट खुला हुआ हूँ, यहाँ पे आप सारी चीज़ें आके पढ़ भी सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन, सब कुछ, और यहीं पर आप डायरेक्टली फॉर्म को भर भी सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, अप्लाई ऑनलाइन, पे एग्जाम फी और नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 20/12/2017, यानी कि 20 दिसंबर रखी गई है, और एग्जाम डेट, एग्जाम फी पे करने की 20 दिसंबर रखी गई है। एग्जाम डेट जो है 5 जनवरी 2018 का होगा, एडमिट कार्ड दिसंबर के महीने में आ जाएगा। फी जो रखी है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये, SC ST PH के लिए 800 रुपये रखी गई है। करेक्शन यदि आपको करना है तो 60 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा आपको। आप जो है जो फीस को कैश के थ्रू, एमपी कौशिक के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के और नेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 193 है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल एज रखी गई है। जो एज का लिमिटेशन है, आपकी एज जो काउंट होगी 31/7/2017, यानी कि 31 जुलाई 2017 को काउंट होगी। पोस्ट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट्स आर फीमेल, दो कैटेगरी है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 87 पोस्ट है, जनरल के लिए, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 40, टोटल 145 पोस्ट रखी गई है, और ऑफिस असिस्टेंट फीमेल के लिए टोटल 48 पोस्ट है। आप देख सकते हैं सबके लिए, दोनों के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है इन स्ट्रीम विथ कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड वैलिड CPCT सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का मतलब कि आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे CCC वगैरह या CPCT सर्टिफिकेशन आपको होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही, मैंने आपको बता दिया। अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करें, जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, और मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ लिया है, तो आप जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक हियर टू। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने एक बार पढ़ लिया है सारी चीज़ें, मैं आपको जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो सब चीज़ें बता दी हैं, फिर भी आप एक बार ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है सब कुछ है, अप्लाई करने की फीस जो है मैंने आपको बता ही दी है, एज लिमिट वगैरह सब मैंने, सब कुछ प्रोसेस मैंने बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है इस वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लगी होगी। यदि आपको ये वैकेंसी पसंद आई है, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले गए हैं, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद नीचे आके कंटिन्यू करके फॉर्म वगैरह को सबमिट कर सकते हैं, जो भी आपका फॉर्म में भर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में मुझे आप बताइए, कोई कन्फ्यूजन आपके अंदर है तो मुझे बताइए, और इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप यहाँ पे फॉर्म को जाइए, भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को आप डायरेक्टली भर सकते हैं और सब कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, और यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये sarkarijobfund.com है, इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे सारे जो नौकरियों के फॉर्म आते हैं सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो उसको फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप गूगल में इसे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट को गूगल में जाइए और लिखिए sarkarijobfund.com, गूगल में जाइए और लिखिए sarkarijobfund.com, पूरी वेबसाइट लिखिएगा और यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ही वेबसाइट दिख जाएगी, जैसे कि ये देखिए, आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको खुल जाएगी। तो इस वैकेंसी में इतना ही, मुझे उम्मीद है वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।